नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गजराज की गूंज को लेकर के धमक आज पूरे प्रदेश में नजर आ रही है और इस धमक को लेकर के परेशानी में आम जनता है। दरअसल वैसे तो गजराज को पूजा जाता है, लेकिन जब अतिक्रमण को लेकर के सवाल आने लगते हैं तो परेशानी आम लोगों के सामने देखने को मिलती है। और आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात हाथियों के आतंक की करेंगे। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मरवाही वन मंडल फालू लैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस वन मंडल में हाथियों ने भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। मरवाही वन मंडल से लगे कोरिया और कटखोरा वन मंडल से हाथियों का दल लगातार मरवाही वन मंडल तक पहुंचता है और यहां हाथी जम करके उत्पात मचाते हैं। साल 2016 से लगातार मरवाही वन मंडल हाथियों का कॉरिडोर बना हुआ है। हाथी कोरिया और कजखोरा में जिस तरीके से वहां पर उत्पात मचाते हैं, मध्य प्रदेश की ओर निकल जाते हैं। अभी एक महीने में हाथियों के दल ने मरवाही वन मंडल में जम करके उत्पात मचाया और एक बच्ची समेत तीन लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हाथियों के लगातार आवाजाही से मरवाही वन मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। साथ ही वन अमला भी हाथियों की आवाजाही से कहीं ना कहीं परेशान है। लगातार हाथियों का आना जाना मरवाही वन मंडल में लगा रहता है और ग्रामीणों को डर बना रहता है कि कब हाथियों का दल गांव में पहुंच जाएगा और उनके घरों को नुकसान पहुंचाएगा। बात करें पिछले दो महीनों की तो यहां पर तीन हाथियों के दल ने जमकर के उत्पात मचाया। हाथियों के द्वारा करीब तीन दर्जन ग्रामीणों वनवासियों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही ग्रामीणों की फसलों को भी हाथियों के द्वारा लगातार नुकसान हो रहा है और इसके चलते मरवाही के ग्रामीण बेहद परेशानी में हैं और कई बार तो ग्रामीणों को अपने गांव को छोड़कर के दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ती है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को समझाइश भी दे रहे हैं कि हाथियों से दूर रहें, उनके इलाके से चले जाएं और उन्हें परेशान ना करें। गांव के कोटवारों के द्वारा भी मुनादी कराई जाती है कि हाथियों से दूर रहें। इसके बावजूद मरवाही वन मंडल में हाथियों की आवाजाही से यहाँ के ग्रामीण दहशत में आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, हाथियों के द्वारा लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों की फसलों को तबाह किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और वन विभाग का आखिर किस ओर ध्यान है और इस पर ध्यान क्यों नहीं है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मरवाही वनमंडल वैसे तो भालुओं के नाम से जाना जाता था, पर अब यहाँ पे हाथियों का भी आतंक शुरू हो गया है। मरवाही वनमंडल से सटे कटघोरा और कोरिया वनमंडल से लगातार हाथियों का दल जो है वो मरवाही वनमंडल में आता है और यहाँ पे उत्पात मचा के मध्य प्रदेश की ओर चले जाते हैं। उत्पात तो बहुत खतरनाक हो रही है, अभी चार पाँच साल से हाथी मरवाही में आ रहे हैं और अभी महुआ का सीजन भी है। अभी 300 हादसा हो चुका है, एक बच्ची को भी कुचल दिया गया है, इससे ग्रामीणों में बहुत दहशत भी है और आए दिन हाथी आते हैं और रातों रात कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ, हाथी तो आते हैं, अभी सबसे पहले मोबाइल मध्यडार हाथी यहाँ से यहाँ पर हाथी चले गई मध्य प्रदेश। स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी डर का साया है हाथियों से, लोग काफ़ी डरे हुए। हमारे साथ और स्थानीय निवासी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगभग चार पाँच साल, पिछले चार पाँच साल से हाथी हमारे क्षेत्र में आतंक मचाते हैं, जितने बार आएंगे एक दो लोगों को मार के चले जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत लोग परेशान किए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं, घर दीवार तोड़ दिए हैं। हम स्वयं गए थे टिप्पा पानी, एक के ट्रैक्टर कर लिए पकड़ के फेंक दे हाथी खड़े रह गए, बहुत डर बना रहा। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे वन कर्मी हड़ताल पे हैं, तो इसको फिर भी हमारे द्वारा उनका सहयोग लिया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी द्वारा मदद की जा रही है। जैसे वन चौकीदार को संपर्क करना, हाथी मित्र दल के जो लोग हैं उनको संचालित करना, साथ ही प्रशासन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा भी मदद किया जा रहा है और पुलिस बल पर भी चार्ज प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त
कोटवार भी हमारा मदद कर रहे हैं और हमारे द्वारा भी लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव वालों को सूचित किया जा रहा है कि हाथी जब भी आगमन हो रहा है तो इस तरीके से अभी तक मैनेज किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये आपने परेशानी देख ली है, लोगों के सामने चिंता इस बात को लेकर के है कि अब अतिक्रमण कहां हो रहा है, क्या हमने वन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है जिस वजह से उनका जो कॉरिडोर है उसमें उनको बाधा आ रही है, या फिर हमारे रिहायशी इलाकों में अब घुसपैठ होनी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के आप जो वन विभाग की टीम है आखिर वो इस पर क्या कर रही है, जरा तफ्तीश से इस पर चर्चा करते हैं। एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। सोशल एक्टिविस्ट अजय दुबे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट प्रवीण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में है, प्रवीण जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट पुष्पेंद्र नाथ द्विवेदी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्थानीय निवासी मरवाही के रहने वाले हैं अजय राय, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अजय राय जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अजय राय जी सबसे पहले बताइए कि परेशानी क्या है, मरवाही खास करके उस इलाके के अंदर एक बेल्ट एक ऐसा कॉरिडोर तैयार हुआ है और ये खुद जो वन्य जीव है उनके द्वारा तैयार कर लिया गया है, वहां से वो आते जाते हैं, ये कहा जाता है कि अब इस रास्ते अंदर थोड़ा भटक जाए तो वो शहरी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं, जहां पर रिहायश है वहां पर भी पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचते हैं तो नुकसान भी होता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, लोगों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाता है। अनम्यूट कर लीजिए अजय राय जी। अजय राय जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ बताइए सर। कर दिए जी जी। यहाँ सबसे बड़ी मरवाही के आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ मरवाही में भालुओं का रहवासी क्षेत्र है, लेकिन अभी इस समय हाथियों का सबसे बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पब्लिकों को। लोग बाग बहुत डरे हुए हैं, हाथी आए दिन आ रहे हैं, अभी एक महीना डेढ़ महीने के अंदर 3 हत्याएं हुई हैं हाथियों के द्वारा, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं यहाँ के पब्लिक। और दूसरी चीज महुआ का सीजन है, लोगों का जीवन यापन सब वही चार चिरौंजी महुओं से ही होता है, और महुआ बीनने के लिए जाते हैं उनके बच्चे लोग जाते हैं, उनके माँ बाप लोग जाते हैं। अभी एक बच्ची को रुमगा ग्राम पंचायत में हाथी ने कुचल दिया। तो आए दिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या हाथियों की है, हाथी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज वो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। एक तो आपका मणिनगढ़ से क्षेत्र से लगा हुआ है, इधर कोरबा क्षेत्र से लगा हुआ है, ये पहले हम लोग पहले सुना करते थे आज से 5 साल पहले कि कोरबा से लगा हुआ क्षेत्र में कि हाथियों का डेरा है, हाथी आए हुए हैं। हाँ। वहीं को ही लौट जाते थे। ये हाल फिलहाल में शुरू हुआ है या लंबे समय से ऐसे ही परेशानी चल रही थी? ये जो हाथियों की आवाज आई अभी से शुरू हुई है, परेशानी चल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब यहाँ सब गरीब तबके के लोग हैं, उनको चार चिरौंजी महुआ, अभी देखो तेंदु का सीजन है, महुआ का सीजन चल रहा है, तो कहाँ जाएंगे लोग बाग? वन विभाग के जो अधिकारी हैं या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो समझाइश दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको उनके पास नहीं जाना है, नजदीक नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं, शायद इसी वजह से हादसे होते हैं, ये कह दिया जाता है। नहीं जात, मेरा कहना ये है कि ठीक है आप समझाइश दे रहे हैं, वन विभाग के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन पब्लिक का मैं जो बताया कि जीवन यापन, अब महुआ अभी महुआ का सीजन चल रहा है, अब उनका एक ये महुआ पीने जाते हैं, अब अच्छा हाथियों की पता नहीं चलता कि कब रातों रात कहां से कहां पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि ये इस क्षेत्र में हाथी आ गए हैं। या तो फिर रात में फॉरेस्ट विभाग लोग कॉरिडोर को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वन्य जीव और खासकर के हाथियों ने वो रास्ता अपनाया हुआ है, तो वो रास्ता अगर अपनाया हुआ है तो क्या पहले से वो रास्ता बना हुआ था, उनका वो रास्ता पहले से था, आप जिस जगह से वो निकल करके दूसरे इलाकों तक पहुंचते थे क्या उस जगह पर अब हमने रिहायश शुरू कर दी है, ये क्या कारण है? पुष्पेंद्र नाथ जी मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं कि ये जो परेशानी अब हो रही है, एक तरफ वन्य जीव है दूसरी तरफ इंसान है, लगातार टकराव की स्थिति होती है, नुकसान इसमें कई बार आम लोगों को होता है, कई बार इसमें वन्य जीवों को अपनी जान देकर के इसका नुकसान की भरपाई चुकानी पड़ती है, तो ये दोनों तरफ से ठीक नहीं है। अब ऐसे में इसकी जो परेशानियां हैं वो जड़ अगर देखी जाए तो वो है क्या, परेशानी कहां से शुरू होती है? जंगली हाथियों को इस क्षेत्र में आए लगभग 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीजें हैं, हाथियों को लेकर सरकार को कोई नीति बनाना चाहिए, कोई नीति इधर है ही नहीं।
दूसरा सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि वन विभाग और ग्रामीणों के बीच किसी प्रकार का कोई समन्वय है ही, जिसके कारण इस प्रकार की चीजें घटनाएं होती हैं। अगर समन्वय होता तो वहां पर मीटिंग करते वन विभाग के लोग ग्रामीणों को साथ, उनको जागरूक करते, उनको सब चीजों की जानकारी देते। ये समन्वय न होने के कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती है। और इसी प्रकार की नीति न होना, जैसे कि फसल मुआवजा, उनको जो क्षति होती है फसल की, उसको मुआवजा समय पे नहीं मिलता है, और यहाँ की समय पे मुआवजा न मिलने से लोग आक्रोशित हो जाते हैं। आक्रोशित होने से फिर वन विभाग के बीच आपसी टकराव भी होता है। तो मेरा मानना है सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी तीन साढ़े तीन साल से जंगली हाथियों का जो झुंड पूरा इस एरिया में रह रहा है, उसके लिए सरकार को कोई नीतियां बनानी चाहिए। नहीं, हमेशा अक्सर ये कई बार आप क्योंकि बहुत बारीकी से नजर भी रखते हैं सर पुष्पेंद्र जी, एक लंबे समय से देखा जाता है कि जो वन्य जीव जिस रास्ते को एक बार अपना लेते हैं उसी रास्ते पर वो चलते हैं। तो ये तीन साल आप कह रहे हैं, तीन साढ़े तीन साल पुराना ये रास्ता अभी तक तैयार हुआ है, यानी कि इस रास्ते से होकर के जो हाथी हैं, हाथियों का दल है वो गुजरता है, तो ये अचानक से कैसे ये इस रास्ते से कैसे होकर के जा रहे हैं? पुराना रास्ता जो था उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, या उस पर क्यों नहीं जाते हैं? फिर का जो झुंड है ये अलग अलग उसमें से निकला हुआ, तीन साल पहले जो झुंड आया था वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र या अगल बगल क्षेत्रों में, लेकिन जो अभी शहडोल क्षेत्र में हाथी आया ये संजय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके आया। और ये वाला जो नया झुंड आया, ये नौ हाथी जहाँ बताया जा रहा है, ये हाथियों का झुंड जो है ये इनके लिए नया रास्ता है, और उनके लिए एक स्वच्छंद विचरण होना उस क्षेत्रों में एक स्वाभाविक है, और वो खाने के हिसाब से उस गांव में आसपास वहां पर विचरण करते हैं, इसके लिए नया। लेकिन वो आपसे आप जिस रूट से आए हुए हैं वापस उसी रूट से वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन एक बार उनको यदि डिस्टर्ब कर देंगे वो वहां डिस्टर्ब होने के बाद वहां नहीं आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर एक बार जिस रूट से वो आके चले गए उनका आना जाना बना रहे। अजय दुबे साहब, अब ये जो लोगों की परेशानी है, देखिए आम लोगों की भी जायज परेशानी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि हाथियों का दल वहां पर से कब गुजर जाता है, अचानक से दल आता है और लोग इसकी कई बार चपेट में आ जाते हैं, जैसा कि हाल ही की घटना का जिक्र भी वो कर रहे हैं कि एक बच्ची भी इस दौरान चपेट में आ जाती है, कई परिवार जो है इससे प्रभावित नजर आते हैं। तो अब ऐसे में इस टकराव को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकार को इस पर तत्परता के साथ कदम उठाने चाहिए, दूसरा वन विभाग को अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभानी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा है कि सरकार अपनी आंख और कान यदि खोले तो उसको करने के लिए कई रास्ते हैं। समस्या हाथियों के जो आवागमन की है, पुष्पेंद्र जी हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बहुत बढ़िया कहा कि ये तो पुरानी समस्या है, अब समस्या के समाधान की बात करें, क्योंकि हाथी दोबारा आएंगे, हाथियों को आना पड़ेगा, क्योंकि जो बंगाल और जो उड़ीसा के हाथी हैं वहां की परिस्थितियों से दबाव पड़ रहा है। बंगाल और उड़ीसा सरकार ने अपना ट्रेंच वहां पे खाइयां बना दी हैं, जिससे कि जो हाथी छत्तीसगढ़ आ गया वो हाथी वापस वहां लौट नहीं सकता है। अब छत्तीसगढ़ में वहां का वन विभाग जो है वो अब हाथियों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा, वो उसको मध्यप्रदेश में खदेड़ रहा है। क्या मध्यप्रदेश सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन लोगों के बीच में ना तो कोई समन्वय है? हाथी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है कि जंगली जानवर जो भी है, वन्य प्राणी, ये किसी राज्य की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। यदि हाथियों की समस्या पे केंद्र इन पीड़ित राज्यों में हाथी और मानव संघर्ष टालने के लिए कोई बैठक कर रहा है, कोई बजट दे रहा है, कोई फंड कर रहा है, आप हाथी के प्रोजेक्ट बनाइए, हमारे पुष्पेंद्र जी बेहतरीन एक्सपर्ट्स बैठे हैं इनके साथ, आप इनको फील्ड पे उतारिए। सरकार को आज ड्रोन की फैसिलिटी है। अभी मैं मरवाही वाले जो हमारे अजय जी बता रहे थे कि कब हाथी आता है, कब, अरे ड्रोन से तो पता किया जा सकता है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व में आपने ड्रोन दिया है कि वहां पर आप शिकारियों की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए ड्रोन उपयोग करो, सैटेलाइट की सुविधा आ गई है। आप हाथियों पर यदि सीरियसली काम करेंगे, आप पीड़ित वर्ग को मुआवजा समय पे देंगे तो हाथी भी बचेंगे और मानव भी बचेंगे। क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि हाथियों का शिकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हुआ है पिछले चार सालों में। और हाथी ये मूवमेंट कर रहे हैं, और हाथियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और नागरिकों भी बचाना है।
हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए टकराव ना हो, और अगर टकराव की स्थिति बन रही है तो उसका समाधान हमें निकालने की जरूरत है। प्रवीण शर्मा जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी, क्योंकि आपने देखा भी है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ के अंदर एक व्यवस्था तय की गई ताकि वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए एक जगह उनके लिए तैयार कर दी गई। अब ऐसे में उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने इलाके में रहते हैं। अब ये कहा जाता है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं वन्य जीवों के लिए तैयार कर दी जाए तो इससे जो नुकसान है या शहरी इलाकों में आने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। प्रवीण जी बिल्कुल सही है, और इसकी जो समस्या सामने आई है इसका समाधान ढूंढना होगा। जो आपा आई है, जो आपदा आई है, उसका भी आपको समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि कॉरिडोर बन जाना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि लगातार आवाजाही हाथियों की बढ़ती जा रही है। अभी जैसे पुष्पन जी ने कहा और अजय जी ने कहा कि लगातार 3-4 साल से हाथी यहाँ छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, कभी शहडोल से आ रहे हैं, कभी शेड्यूल से आ रहे हैं, कभी बांधवगढ़ से आ रहे हैं, कभी संजय नेशनल पार्क से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आवाजाही आगे भी रुकने वाली नहीं है, तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश सरकार जो आपदा में अवसर ढूंढने में काफ़ी माहिर है, उसको इस आपदा से भी कुछ ना कोई अवसर ढूंढना चाहिए और हाथियों के संरक्षण और मानव जाति दोनों को बचाने की दिशा में एक ठोस पहल करना चाहिए। हाँ। जैसे कॉरिडोर जो है देश के 11-12 राज्यों में है, हाथियों के संरक्षण के लिए उनके एक कॉरिडोर बना सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा अवसर होगा। टाइगर स्टेट है अब तो, यहाँ भेड़िए भी बढ़ रहे हैं और भेड़िया स्टेट भी बनने वाला, तो मुझे लगता है कि अगर हाथियों का स्टेट भी बन जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी, एक मध्य प्रदेश के लिए एक अवसर पैदा होगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, एक बड़ा अच्छा सुझाव भी है। हाँ जी, हाँ पुष्पेंद्र जी, जरा जल्दी से इस पर मैं आपको जोड़ लेता हूँ। ये कहा जा रहा है कि चाहे वो बाघों को लेकर के हो, संरक्षण के लिए तो वन्य जीवों को आगे बचाने के लिए बढ़ाने के लिए तो कोशिश हर प्रदेश की सरकार कर रही है ना, लेकिन हाथियों के लिए उतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर उनके लिए भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं तो क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाथियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को एक नियम, एक नीति बनानी होगी। जरूरी है उनके लिए कॉरिडोर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस जगह से हाथियां का झुंड किस कॉरिडोर से दूसरे एरिया में अगर भ्रमण के लिए, विचरण के लिए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जैसे वन अधिकार के पट्टे देके इंक्रोचमेंट किया गया है, बहुत सारी चीजें हो रही है, वो गतिविधियां रुकनी चाहिए। इनके लिए एक विशेष प्रकार का एक पैकेज सरकार को बनाना हो चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा आइडिया है। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है, लेकिन इस पर अमल करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, और तभी हाथियों के साथ इंसानों का जो टकराव बना हुआ है या वन्य जीव दूसरे भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर अजराय जो स्थानीय निवासी हैं, मरवाही के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि हम रोजाना ऐसी चीजें देखते हैं। इससे पहले बालुओं का आतंक देखने को मिलता था, लेकिन अब हाथियों के तौर पर यहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन अजराय, अगर समाधान ये ऐसे कुछ निकलते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि इससे पहले भालुओं का आतंक था, अब हाथियों का आतंक है, और तमाम अन्य जो वन्य जीव हैं उनके साथ जो टकराव की स्थिति इंसानों की बनती है, तो ये आपने चीजें देखी हैं, इससे दो चार होते हैं ये सुझाव के रास्ते? क्योंकि एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो वन्य जीव अधिकारी हैं, वन्य विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, वो सही समय पर जानकारी नहीं दे पाते हैं। अगर जानकारी मिल जाए तो ऐसी टकराव की स्थिति भी नाम रहे। सही बात बोल रहे हैं आप, उनको सही समय पर उनको सूचना नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज, जब तक सरकार कुछ नियम नहीं बनाएगी, कॉरिडोर जब तक नहीं तैयार करेगी, अभी 3 साल पहले 2 हाथी आए थे, उसके बाद फिर आए 4, फिर अभी एक पूरा दल आ गया था 42 ठो, और उसके बाद अभी 3। मेरे को लगता है ये अब उनका आम रास्ता हो गया है और उनका आना जाना आप लगा रही रहेगी। मैं तो गुजारिश करूंगा कि कुछ ना कुछ नियम बनाए जिसमें पब्लिक भी सुरक्षित रहे और जानवर भी सुरक्षित रहे। हम नहीं चाहते कि जानवर को मारे पीटे, हम चाहते हैं कि जानवर भी सुरक्षित रहे, पब्लिक भी सुरक्षित रहे, जानवर अपना आए जाए। अच्छा, मरवाही के लोग अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि कभी भी कहीं ऐसा ना हो कि हाथियों का दल या कोई वन्य जीव वहां से निकल जाए तो वो जान खतरे में आ जाए। पहले आदमी सुरक्षित था, भालू क्या है सिर्फ हमला करता था, दूर से दिख जाता था, हाथी तो पता नहीं चलता कहां से कब क्या निकल जाए। और दूसरी चीज, भालू एक बार दौड़ाता है तो आदमी बच जाता है, लेकिन हाथी जब दौड़ाता है तो आदमी नहीं बचता है। हमारे 10 कदम तो उसके 1 कदम,
उतना स्पीड रहता है उसका, ठीक है, इसलिए लेकिन ऐसी टकराव की स्थिति ना बने यही कोशिश भी है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं तय करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन हाथियों के आतंक से अब आम लोग परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, तालमेल कैसे तय किया जाए, और साथ ही साथ सरकार की नीतियां इस पर क्या और प्राथमिकता के आधार पर नहीं बननी चाहिए जिसकी वजह से टकराव की स्थितियों को कम किया जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।